हेलो फ्रेंड्स, श्वेता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कलाकंद की रेसिपी, और इसे मैंने बनाया है इंस्टेंट मिक्स से। इंस्टेंट मिक्स से कलाकंद बनाना बहुत ही आसान है और इसमें बहुत कम सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है, और इसे आप घर में ही इजीली प्रिपेयर भी कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम इसे देखते हैं कि इसे किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने ये इंस्टेंट मिक्स लिया है कलाकंद के लिए। ये मैंने गेट्स ब्रांड का परचेस किया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और ये फटाफट से बन करके रेडी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे मैंने 200 ग्राम में परचेस किया हुआ है। इसका जो नेट वेट है वो 200 ग्राम है और इसमें एक्स्ट्रा कलर या फिर कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप घर में ही इसे प्रिपेयर कर सकते हैं और ये मात्र 20 मिनट्स में ही बन करके रेडी हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि 12 पीसेस अगर आप छोटे छोटे बनाते हैं तो 12 पीसेस इसके बन करके रेडी हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे बैक साइड में देख लेते हैं, इसकी प्रोसेस भी दी हुई है। और ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें कितना मिल्क लेना है और कितनी देर हमें इसे बॉयल करना है और किस तरह से हमें इसे कट करना है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 200 ml हमें इसमें मिल्क लेना है, 1 1/4 कप। यहाँ पे कप साइज़ 150 ml दिया हुआ है और मेरे पास जो कप साइज़ है वो 250 ml का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम मेज़रमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें 10 मिनट्स इसको बॉयल करना है और उसके बाद में फिर इसे हमें एक ट्रे घी लगाए हुए ट्रे में इसे निकाल करके इसे अच्छे से सेट होने के लिए रखना है और उसके बाद फिर हम इसे कट करेंगे। और यहाँ पे जो आपको पैन लेना है वो नॉन स्टिकी या फिर मोटे तले वाला ही पैन का यूज़ करना है। और यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे फिर इसको कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको जो है डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे वो दिखने में अच्छा दिखे। और यहाँ इंग्रेडिएंट्स में दिया हुआ है सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड है। हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये 120 rupees में मैंने परचेस किया था। तो यहाँ पे अगर आपके घर कोई गेस्ट आए या फिर आपको इंस्टेंट कुछ मीठा बनाना हो तो आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कप साइज़ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे तो 150 ml लिखा हुआ है और मेरे पास जो कप है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह का कप है, ये 250 ml का है। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह का कप अवेलेबल नहीं है तो आप अंदाजे से भी मिल्क ले सकते हैं, या फिर आप ये 250 ml का जो मिल्क का छोटा पैकेट आता है उसका भी यूज़ करके आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्टेप 1 को फॉलो करते हुए इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और सबसे पहले तो इस बॉक्स को ओपन करेंगे और देखेंगे किस तरह का इसके अंदर पाउच है और मिक्सर दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सारी चीज़ें आगे करेंगे। तो सब मैं ओपन कर रही हूँ। अब इस बॉक्स में से हम इस पैकेट को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह का ये पैकेट रहता है, 200 ग्राम का है ये। तो यहाँ पर अब हम इसे सबसे पहले सीजर की हेल्प से कट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरह का मिक्सचर दिया हुआ है। इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह का ये मिक्सचर है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ ऐड होता है, चीनी वगैरह भी। हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बॉल और ये जो सारा मिक्सचर है उसे मैं यहाँ पर निकाल लूँगी बॉल में ही। मैं यहाँ पे सारा पाउच का मिक्सचर यूज़ करने वाली हूँ कलाकंद बनाने के लिए। आप चाहे तो इसे हाफ ऑफ क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस बॉल को अलग रखती हूँ और सबसे पहले हम ट्रे को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 7x7 inch का ये केक टिन है मेरे पास में, क्योंकि मैं एक होम बेकर भी हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये टिन लिया हुआ है स्क्वायर में, आप गोल थाली का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1/2 teaspoon घी डाल करके, या फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं, और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। इसे ग्रीस करके आपको पहले ही रेडी करके रख लेना है ताकि जब आप कलाकंद बनाएं तो फटाफट से इसको इसके अंदर डाल करके सेट होने के लिए रख दें। यहाँ पे हमने टिन को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटे से बाउल में बादाम और पिस्ता ले लिए हैं, और यहाँ पर ये मेरे पास इस तरह का ये स्लाइसर है। ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, अगर नहीं है तो आप नाइफ से भी इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके स्लाइस करूँगी। तो आपको सिंपल इसको इस तरह से स्लाइस करना है, बहुत ईजी हो जाता है और दिखने में भी ये अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से इसके स्लाइस हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सा होता है और बहुत इजी ये बन जाता है। तो
तो इसी तरह से हम बादाम और पिस्ता के स्लाइस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पिस्ता और बादाम के स्लाइसेस कर लिए हैं। अब इसे हम अलग रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब मैं यहाँ पे ये मिक्सचर वाला बाउल ले रही हूँ और इसमें अब हम ऐड करेंगे मिल्क। तो मिल्क इसमें लिखा हुआ है 200 ml, तो हम 200 ml लेंगे इस कप के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप जो पैकेट आता है फुल क्रीम वाला, या फिर आप यहाँ पे घर का भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। बस ज़्यादा पानी मिक्स किया हुआ मिल्क आपको इसमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो इसके टेक्सचर में इफ़ेक्ट हो सकता है। अभी मिल्क हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस सारे मिक्सचर को हम मिल्क में पहले ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ही हम गैस के ऊपर इसे बनने के लिए रखेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और कलाकंद बहुत ही अच्छे से बन करके रेडी हो। क्योंकि अगर हम गर्म दूध के अंदर इसे मिलाएंगे गैस के ऊपर तो यहाँ पे लम्स बनेंगे और फिर इसे हैंडल करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मिक्सचर को रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने गैस में पैन गर्म होने के लिए रखा है, लो टू मीडियम फ्लेम ही रखेंगे। और यहाँ पर अब मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये घी हमको पहले ही ऐड करना है। अब यहाँ हम घी को अच्छे से पहले मेल्ट होने देते हैं। देखिए घी मेल्ट हो गया है, अब इसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को आपको ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है और हमें इसे स्टेयर करते हुए ही कुक करना है 10 मिनट्स के लिए। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें तो ये 10 से 15 मिनट्स में बन करके रेडी हो जाएगा। अभी ये बहुत ज़्यादा पतला दिख रहा है, ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, तो समझ जाइए कि कलाकंद रेडी है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर ये धीरे धीरे पैन छोड़ने लगा है, ठीक होने लगा है और थोड़ा सा दरदरा भी ये हो गया है। अभी ये जो थोड़ा थोड़ा नीचे से चिपक रहा है, ये चिपकना जब बंद हो जाएगा तो समझ जाइए कलाकंद रेडी है, इसकी पहचान होती है। तो ये जो नीचे से चिपकना नहीं चाहिए, और इसके लिए आप नॉन स्टिक की कढ़ाई का ही यूज़ करें इसे बनाने के लिए तो बहुत अच्छा होगा, या फिर आप मोटे तले वाली कढ़ाई का भी यूज़ आप कर सकते हैं। अब इसे हमें धीरे धीरे इसी तरह से कुक करना है, हमें इसे थोड़ा सा और ड्राई होने देना है। तो देखिए यहाँ पर इसने धीरे धीरे पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसे और कुक किया था 5 मिनट के लिए, तो ये इस तरह का आ गया है जैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब यहाँ पर ये हमारा कलाकंद बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसे अब हम घी लगाए हुए टिन में निकालेंगे सेट होने के लिए। अब इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, जितनी थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं। और ये जो थोड़ा सा आपको वाटर दिख रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप इसे इस तरह से रख देंगे तो वो नीचे के साइड में सारा वाटर इसका निकल आएगा। और इसका जो एक्स्ट्रा वाटर निकल के आता है तो उसे आप अलग से निकाल के कटोरी में रख सकते हैं और इस तरह से आप इसे सेट होने के लिए रख सकते हैं। अब जब ये गीला है थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इस तरह से लगा देती हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा दिखेगा। और उसके बाद हम इसे रख देते हैं सेट होने के लिए, ठंडा होने के लिए। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आधा घंटा हो गया है और ये जो कलाकंद है ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है और अब हम इसे कट करेंगे। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे इस तरह से लंबा लंबा ही कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये कट हो रहा है और बहुत ही अच्छे से ये सेट भी हुआ है। आपको बहुत ही आराम से इसे कट करना है ताकि जो इसके क्रम्स है वो बाहर ना आए। तो इस तरह से हम ये सारा कट कर लेंगे और एक एक करके अब हम इसे निकालेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर नाइफ़ की हेल्प से ये कलाकंद निकालेंगे और बहुत ही केयरफुली निकालना है ताकि बीच में से ये टूटे नहीं। तो इस तरह का अगर आपके पास नाइफ है थोड़ा सा चौड़े मुंह वाला तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह का साइज में इसे कट किया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको इसे करना है ताकि जो आपका कलाकंद है वो बहुत ही अच्छे से बने। आप चाहे तो इसके 2 पीसेस भी कर सकते हैं। अब बाकी के कलाकंद को भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से ऐसे निकालना है, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे कलाकंद हमारे रेडी हैं। अब इसके ऊपर जो हमने
ड्राई फ्रूट्स को स्लाइस में कट किया था, उसके ऊपर हम इस तरह से डेकोरेट करने के लिए लगा देते हैं, जिससे दिखने में भी बहुत अच्छा दिखेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इजीली घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट है या पार्टीज वगैरह हैं तो आप इसे बहुत अच्छे से इसको बना के रेडी कर सकते हैं। तो आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगती होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।